So here I am almost about to start filming today's video. मैं हर हफ्ते केवल एक वीडियो प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ क्योंकि सारे काम करने होते हैं, उसके साथ साथ वीडियो प्रोड्यूस करना है, उसके साथ साथ क्लासेस करनी है, सब मेरे सर पे है। मैं यहाँ पे गोवा में अकेला हूँ, सारा काम खुद ही करना है। दिल्ली का स्टूडियो का रेंट, गोवा के स्टूडियो का रेंट, ये मेरा सपना रहा है हमेशा से रहने का, क्योंकि जो मेरी क्लासेस का रेवेन्यू है वो मेरा मेजर रेवेन्यू है। यूट्यूब से कुछ खास रेवेन्यू नहीं आता है। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे वीडियोज़ शुरू से लेकर एंड तक देखो, उससे मेरा रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ेगा और उससे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ प्रोड्यूस कर पाऊँगा। हाईली रिक्वेस्ट, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग ऐसा कर पाओ। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सो देखिए, पहले इसके ना टैब समझ लेते हैं और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि नेचुरल हार्मोनिक्स। गिटार का जो फिफ्थ फ्रेट होता है ना, तो जो ये फर्स्ट फ्रेट की जो स्टील है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ फ्रेट में देखो, अगर आप पूरे को अगर बस ऐसे छू दो, सेवन्थ, ट्वेल्थ, नेचुरल हार्मोनिक्स है। ठीक है, हम ये इस सॉन्ग में यूज़ हो रही है। शुरू में आप टैब्स को फॉलो करो। तो मैं ना हाइब्रिड पिकिंग कर रहा हूँ, मेरा जो राइट हैंड है ना, मैं इसको ऐसे पिक और ये एंड पीछे, ठीक है, स्लाइड करो। अभी जो फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट है, ये मैं फिंगर से बजा रहा हूँ, इसको आगे स्लाइड करना है। मैं जनरली इसको 10 से 12 के बीच में, बट हम 14 के बीच में, 12 14 कहीं भी ले रहा हूँ। ये साइड, ठीक है। सो सेकेंड स्ट्रिंग, सिक्स स्ट्रिंग, नाइन, थोड़ा सा बेंड करो। थर्ड स्ट्रिंग हार्मोनिक, 12th फ्रेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्ट्रिंग का 4, सेकेंड स्ट्रिंग का 6, एक साथ बाकी सबको म्यूट करेंगे इससे। So, ये बना हमारा, अब ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। फोर्थ स्ट्रिंग 9 और सेकेंड स्ट्रिंग का 10। अब देखो कैसे बजना है, ये मैंने क्या किया, दोनों को सारे म्यूट है, अब दोनों को एक साथ बजाया और स्लाइड किया 12 तक, फिर ये हो गया 9 12। इधर से हमने हैमर करना है 21 पे, 20, 20 पे, फिर लेफ्ट हैंड से हैमर 10 पे, फिर से अब यहां पे 19, ट्वेल्व, 15, 19। अभी देखो ये बजाते ही पुल ऑफ 0 पे, और फिर 7th फ्रेट पे आर्टिफिशियल नेचुरल हार्मोनिक्स। सो बन गया, ठीक है। सो हमारे अभी क्या क्या हमने अचीव कर लिया, और ट्रेमोलो भी आप इसमें हल्का सा,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. अभी हमने क्या किया, थर्ड स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग 3, सेकंड स्ट्रिंग 0, देन ये जल्दी से नेचुरल हार्मनीज 2 3, इधर 2, अब यहां पे देखो फिफ्थ स्ट्रिंग 3, सेकंड स्ट्रिंग 6, एक साथ स्लाइड करो आगे, ठीक है. अब ये पकड़े रहो, फर्स्ट स्ट्रिंग 0, सेकंड स्ट्रिंग 7, फर्स्ट स्ट्रिंग 0, सेकंड स्ट्रिंग 7, ये हमने इसको सिक्स स्ट्रिंग 6 पे रखा. ठीक है, टैप्स को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट स्ट्रिंग 2, फिर से वही. अब शुरू वाला जो हमने किया था, अब यहां पे आती है हमारी स्वीप. ये इतनी मुश्किल है नहीं. देखो ये क्या है, मैं इसकी टाइमिंग बताता हूँ. ट्रिपलेट से टक कट टक कट टक कट टक कट, सो हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स बजाते ही हैमर ऑन 14-15, देन ये एफ शार्प मेजर जैसे पढ़ दो, फिर फोर्थ स्ट्रिंग में 16. सो अब एक और चीज, मैं ये टाइमिंग के लिए करता हूँ. अगर मैं ना करूँ तो मेरी टाइमिंग खराब हो जाएगी, ठीक है. सो ये वाला जो था वो है, फिर से जो सेकंड में था थर्ड स्ट्रिंग वाला, इस बार है एंड दैट्स इट. अब ना हमें इसकी टाइमिंग ध्यान रखनी है, स्पेशली जो थर्ड पैटर्न है. जैसे फर्स्ट और सेकंड पैटर्न तो थोड़ा सा टाइमिंग में, जो थर्ड पैटर्न जैसे ही चालू होता है वो एन बीट से चालू होता है, वहां पे हमें ध्यान रखना है. ये देखो, तो हमने स्टार्ट किया, अभी आपने टाइमिंग देखी, मैंने एक फर्स्ट बीट छोड़ दिया उसके एंड पे मारा, फिर एक बीट छोड़ा उसके एंड पे मारा, ठीक है. ये आपको मेट्रोनोम के साथ देखना पड़ेगा, इसको 60 मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करो. मैंने उतने पे ही शुरू में आपको बजा के दिखाया था. सो वो जो सेकंड पैटर्न से लेता हूँ, I
आई होप आप इसको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करो और मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेट्रोनोम के साथ बहुत इजीली आप इसको पुल ऑफ कर ले जाओगे, बहुत इजीली। सो मेट्रोनोम को 60 पे आपको बजाना है। मैंने इसको प्रैक्टिस किया था 120 पे, तो मैं 120 पे मेट्रोनोम रख के उसके हाफ रिदम पे प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। जैसे शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने मेट्रोनोम के साथ बजाया, एक बार फिर से देखते हैं। सो आई होप आप लोगों के लिए लेसन फ्रूटफुल रहा होगा। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर वीडियो के नीचे एक ना एक कॉमेंट होता था कि पोलीफिया का गोट एक बार हिंदी में और डिटेल में समझा दिया जाए। मैं भी इसको आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी इसको प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। बाहर हो रहा है कोविड, अगली वेव आने के पूरे चांसेस हैं, प्लीज़ अपने गार्ड्स को डाउन मत करें, अपना अपना ख्याल रखें, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। लाइक करना हो करिए, सब्सक्राइब करना हो करिए, बट इसको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Come on, let me hear you.